पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। जिसका अर्थ है हमारे चारों तरफ के वातावरण से। लेकिन हम जब पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो हम कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि हम प्लस हमारे चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन इसका वास्तव में परिभाषा को देखा जाए तो अगर हम कह सकते हैं जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण, अर्थात जैविक ऐसे मतलब जीव सभी जीवों से जैविक का संदर्भ है और अजैविक का संदर्भ निर्जीव निर्जीव वस्तुओं से लिया गया है, जिसमें मानव एक महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण का अध्ययन क्यों करना चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने से पहले हमें उस जानना चाहिए कि उसका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, क्या अध्ययन करना आवश्यक ही है। तो सबसे पहले कि हम जहाँ इस पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे साथ बहुत से स्पीसीज रहते हैं, तो जानवरों से लेकर मानव तक सभी लोग अपने अस्तित्व के लिए सर्वाइवल करते हैं। लेकिन मानव यहीं पर जानवरों से आगे निकल जाता है और वो अपने डेवलपमेंट की प्रक्रिया में साधनों और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जो कि उसकी आवश्यकता है। और इस प्रक्रिया को करते हुए वो प्रकृति को नियमों का पालन नहीं करता है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने के कारण पर आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होती है, जिससे मानव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगता है और उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मानव को डेवलपमेंट करते समय प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सतत विकास करना चाहिए, जिससे आर्थिक सामाजिक विकास किया जा सकता है।